जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कोलकाता पुलिस की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका कोलकाता पुलिस SI सब इंस्पेक्टर, जिसे हम बोलते हैं दरोगा के पद पर, आपका न्यू वैकेंसी निकला हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है, कितनी आपसे इसमें योग्यता मांगी गई है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तरह छूट कितनी मिलेगी आपको एज में, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, और सबसे बड़ी बात कि इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यही बात कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो हैं, जैसे UP, MP, बिहार है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बात सकते। अगर आप यूपी या MP या बिहार में आप OBC आते हो, या SC या ST कैटेगरी में आते हो, तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो जनरल में काउंट किए जाओगे। प्लस में एक कैटेगरी और है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या होना चाहिए तब इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करें इसके ऑनलाइन डेट के बारे में। तो इसके फॉर्म 29 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर रखी गई है। अगर आपको इसका फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, तो आपको मैं इसका फुल नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 5 साल की छूट, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी योग्यता के बारे में। तो सिंपल, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी हिंदी में मतलब स्नातक आपका मांगा गया है। चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, चाहे आपने BA या BSc, BCom या BTech कुछ भी किया हो, केवल आपने ग्रेजुएशन किया हो। प्लस में आपका जो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज जो आ गया है बंगाली, तो आपको बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आपको अच्छे से बंगाली भाषा पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। यही आपका क्राइटेरिया है कि आपको लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। अदर स्टेट वाले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, यही आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। अब बात करें आपकी फ़ीस के बारे में, तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट से 270 रुपये लिए जाएंगे, SC और ST कैंडिडेट से 20 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें कितने पद पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें टोटल पद हैं आपके 169, जिसमें आपका जनरल के 75 पद रहेंगे, OBC A के रहेंगे 17 पद, OBC B के रहेंगे 11 पद, SC के इसमें 37 पद रहेंगे, ST के 10 पद, और EWS के इसमें 19 पद रहने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होगा आपका एग्ज़ाम, फिर दूसरे स्टेप में होगा फिजिकल टेस्ट, फिर तीसरे स्टेप में भी आपका एक एग्ज़ाम और होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में फुल सिलेबस चाहिए तो इसका वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा। अब बात करें फिजिकल, तो फिजिकल के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। सैलरी इसमें रहेगी आपकी 4200 ग्रेड पे की, यानी आपको 35,400 रुपये इनहैंड मिलेंगे। इसके अलावा TA DA HRA इन सभी अलाउंसेज मिला के आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 50 से 55 हज़ार के बीच में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको इसका फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको फुल नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।